ये देखो यार, लड़के लोग लगे हुए हैं, सब एक साइज की होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर लगेंगे सब। चक्र भी मंचन शुरू हो चुका है, तब जाके सप्तम द्वार जो है, सात द्वार पूरे होंगे और तब वो बिल्कुल चक्रव्यूह के आकार का दिखेगा। मैंने आज से 52 साल पहले, मतलब ये रचना जो होती है, ये रचना मैंने 52 साल पहले की। 52 साल पहले से अब सही बात है, इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र में चक्रव्यूह हमारे यहाँ माने चक्रव्यूह पहली बार तेला में हुआ था। अच्छा, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम अच्छे हैं और थोड़ा थके हुए भी हैं क्योंकि सभी लगे हुए काम पर। हाँ दोस्तों, ये जो पाइप जा रहा है ना, ये जा रहा है बहुत ही बड़े उत्सव की तैयारी करने के लिए, जो कि है परसों हमारे यहाँ चक्रव्यूह का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों, और उसके लिए सामान इकट्ठा हो रहा है। और अभी हम उस बहुत बड़े खेत, हमारे गांव का लगभग पूरे गांव का सबसे बड़ा खेत है, और यहीं पर चक्रव्यूह होता है दोस्तों, क्योंकि चक्रव्यूह का चक्र जो है काफ़ी बड़ा होता है, सात द्वार इसमें होता है, इसीलिए काफ़ी बड़ा खेत है। तो यहाँ पर सब सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बताता हूँ आपको, थोड़े से नीचे रख के चार्ज यहीं पर रख दो, ठीक है। तो हम उस खेत में पहुंच चुके हैं जहां पर चक्रव्यूह होगा, बताता हूं आपको। ये देखिए, कुछ लोग अभी, पूरे लोग तो आए नहीं है, और ये लाठियां आप देख रहे हैं वो चक्रव्यूह बनाने के लिए हैं, जो हम चक्रव्यूह बनाएंगे। और गांव में जितने भी लोग हैं सबसे साड़ियाँ इकट्ठा करेंगे, जो सब अपने अपने घरों से एक एक नई साड़ियाँ देंगे, और तब जाके हम जो सैनिक थे चक्राकार में, उसको हम साड़ियों और डंडियों के माध्यम से दिखाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर ढांचा बनेगा, अभी तो ये बीच में एक पाइप खड़ा होगा, पूरा ढांचा यहीं पर बनेगा। अभी जा रहे हैं लाठियों के लिए, जो कि चक्रव्यूह की रचना करने में काम आएंगे, यानी कि काल्पनिक सैनिक बनाने के लिए। और वो लाठियाँ हैं पहिया, जो वृक्ष है हमारे पहाड़ों में पाया जाता है, उसकी लाठियाँ हम सब लेंगे। सभी साथी लोग आ रहे हैं पीछे से, ये देखो, बड़े दूर दराज क्षेत्र से, हेलो, ये बहुत दूर से आ रखे हैं बरसारी से। ये है पहिया का पेड़, जगह जगह पर पाया जाता है। तो दोस्तों ला चुके हैं हम लकड़ी, ये देखो पूरे कंधे में, और मेरे साथ गोरी भाई भी है। अब ये लकड़ी हम यहाँ ले जाएंगे, छोड़ दे। एक और मेहनती लड़का पहुंच चुका है लकड़ी का गट्टा लेके, ये देखो यार ये देखो यार, लड़के लोग लगे हुए हैं बिल्कुल बराबर लट्ठे लाने पे, और ये खाली आता रहा है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम वहां से, कहां से, चक्रव्यूह मैदान से, खेत से, और अभी जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद शाम को आएंगे दोस्तों, तभी आप लोगों से मिलेंगे। जय हो देवी प्रसाद। तो हो चुकी है शाम, फिर से चल पड़े हम सारी की तरफ, चक्रव्यूह मैदान की तरफ, सार में, जहाँ पर चक्रव्यूह का आयोजन होगा, भव्य आयोजन, और उसकी तैयारी चल रही है। तमाम सारे लोग पहुँच चुके हैं, कुछ कम लोग पहुँच चुके हैं, और जिन्होंने उसकी रचना करनी है, गांव के सबसे बुजुर्ग जिन्हें उनकी पूरी जानकारी है, वो भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में जो है इसका जो है पूरा रचनाक्रम वहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं पूरे सभी लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, सब अपने घरों से एक लकड़ी का जो है गट्ठा भी ले रहे हैं। ये हो रहा है चक्रव्यूह का रचना क्रम शुरू हो चुका है, इसके रचनाकार हैं दादाजी विद। ये बन रहा है सबसे पहले सप्तम द्वार, कुछ लोग यहाँ लगे हुए लकड़ी इकट्ठा करने पे, बाकी गांव वाले लगे हैं लाने पे। एक 50
ड्रोन चूने से रेखा फोटो क्या पूरी वीडियो बननी हो जगह नहीं वो लेना देना फिर जिन्होंने रचना की वही द्रोण आचार्य वीडियो बनी जी फोटो मारे ठीक ठीक चल रे अरे भाई युद्ध नहीं यार थोड़ा सा मैं आपकी लकड़ियाँ काट रहे हैं लट्टियाँ सब एक साइज की होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पर लगेंगे सब जहाँ पर रेखा मार रखी है चूने से रेखा पूरी मार ली है चक्रव्यूह पे ये चक्रव्यूह मंचन शुरू हो चुका है और दादाजी हमारे बुजुर्ग जिन्हें इसका पूरा नॉलेज है जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी कुछ लोग लाठियां लगा रहे हैं और सबसे पहले मार्किंग हुई और उसके बाद लाठियां लगा रहे हैं और उसके बाद कपड़ा लगेगा इन पर तब जाके सप्तम द्वार जो है सात द्वार पूरे होंगे और तब वो बिल्कुल चक्रव्यूह के आकार का दिखेगा। लाठियां और साड़ियां इसलिए लगाते हैं सैनिक जो होते हैं उनको दिखाते हैं हम लाठियां और वो कपड़ों के द्वारा उनके द्वारा हम उन्हें दिखाते हैं। 52 साल पहले से मतलब ये रचना जो होती है ये रचना मैं ना 52 साल पहले के 52 साल पहले से लगभग 52 साल पहले से कितनी बार मतलब यहाँ पर चक्रव्यूह मंचन किया गया 10-12 बार चक्रव्यूह का मंचन हो चुका है इस 52 साल के अंतराल में और ये इस बार सीता 2022 में हो रहा है वो भी दादाजी के ही बूढ़ा जी के ही प्रतिनिधि उसमें निर्देशन में हो रहा है। महाभारत लीला ये मैं संपूर्ण महाभारत लीला जो करी चास महाभारत लीला हाँ महाभारत लीला और रामलीला रामलीला का ना और कृष्ण लीला भी हुई है मैंने की है ना आपने की है अच्छा उसका डायरेक्शन किया है जी ने और इसे जो ये चक्रव्यूह मंचन हो रहा है इसका जो आकार दिया जा रहा है ये कागज में बनाना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर करना बहुत टफ है इसीलिए हम दादाजी के पास आए हैं अभी हम भी सीख रहे हैं दादाजी से देखते हैं क्या आगे क्या होता है क्या होता है काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं दादाजी अब तो 85 साल की उम्र हो चुकी है और हाँ अब उतनी ताकत अब नहीं रह रही है जय हो।
अब लास्ट पड़ाव बोल सकते हैं हम इसे। हाँ, लास्ट पड़ाव पे है। हाँ। और जब भी कोई अब भर जुम्मन सर जुनो शिकायत। हाँ सही बात। ये जत्याबी जो घुलमों होता है टाट वों सब मेरे से कुर्थोला कुर्थोला और जख भी सुमारी सुमारी ना जख भी अपन जख जो वों हो शिकायत तो यंत्र की मैंने सी दरकोट ना दरकोट हाँ ना तो मैंने अब मैंने जो जेवल जखा पता मेरे आदमी जेवल सिस्या है वहाँ के मेरे शिकायत ना काफी बड़ी बात सबसे पहले सही बात है इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में चक्कर भी हमारे यहाँ हमारे यहाँ अरे उस समय सबसे पहले इस क्षेत्र में उस समय जो है ना बाबू उस समय यहाँ जो है सारे लस्या बड़मा और तुम्हारा इधर सिलगढ़पट्टी मान चक्र भी पहली बार तैला में हुआ था। अच्छा ये बात काफी गर्व की बात पहली बार हुआ था और इतना अच्छा मंचन हुआ था कि बहुत ही अच्छा अब तो हो ही नहीं सकता देख ही नहीं सकता। चक्र भी क्या लाओ मतलब और कौन कौन से व्यू हो रखे हैं कमल भी हो रखा है कमल भी हो रखा है कमल भी कर रखा है वो तब बनारी जी आए थे अच्छा। है ना और साथ में ये भाई साहब भी थे है ना इन्होंने भी पूरा जितना भाई कमल भी जानते हैं क्या जानते हैं परंतु उस समय ये कहा ना कि भाई चलो भाई एक साथ ही दोनों आदमी जो है एक वो भी रह जाएगा कि भाई ठीक है काफी अच्छी बात है हमारे गांव में। अरे हमारे यहाँ ना टैलेंट भी कमी नहीं कलाकार भी कमी नहीं कलाकार पहले से रहे हैं जन्म अगर कलाकार।